हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को स्टोन बनाकर दिखाऊंगा, यानी टुकड़ी टुकड़ी बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से बनती है। प्लेन गिलास की स्टोन रेडीमेड वाले बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना 1.5 इंची का टुकड़ी लेना है। 1.5 इंची का टुकड़ी ले लेने के बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको टुकड़ी लेने के बाद ये बेवलिंग काटनी है, इस तरीके से पत्थर से बेवलिंग काटनी है, चारों साइड बेवलिंग करनी है। तो दोस्तों वीडियो छोड़कर न जाए, लाइव पे में देखें कितनी सुपर बेवलिंग बने और टुकड़ी बने। ये रेडीमेड भी आती है और हाथ से भी बनाते हैं, तो ये हम हाथ से बना रहे हैं। प्लेन स्टोन, स्टोन भी बोलते हैं, टुकड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रिस्टल भी बोलते हैं इसको। ये जो चार साइड कट गई बेवलिंग, ठीक है दोस्तों, चार साइड बेवलिंग कट गई है। तो इस तरीके से टुकड़ी हमारे पास ज़्यादा है तो दो हम टुकड़ी काटेंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने वीडियो बहुत छोटा कराया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना जाए, इसी तरीके से आप पूरा प्रोसेस समझ लें, ठीक है। ये पूरी बेवलिंग कट गई है टुकड़ी की, ये देखिए टुकड़ी कट गई है। अब इस तरीके से अब इसकी होगी पॉलिश होगी इसकी। अब जैसे इसमें पहले जो टुकड़ी का साइज है वही टुकड़ी का पट्टी चढ़ा लेनी है, वो पट्टा चढ़ाने में इस तरीके से पॉलिश करनी है, ठीक है। जो सफ़ेद सफ़ेद था उसको क्लियर करना है बेहतरीन तरीके से, इसे बोलते हैं नरमाना, पॉलिश करना, ठीक है। इसको चार शॉट को पॉलिश करनी है, चार साइड। मैं अपनी वीडियो में इजी तरीके से बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से चारों साइड में पॉलिश करनी है। अभी ये देखें दोस्तों, चार साइड बेवलिंग हो गई, मतलब सॉरी पॉलिश हो गई है। अब इसमें साइड में धार मार रहे हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ धार लग रही है, ठीक है दोस्तों। धार मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर फिनिशिंग नहीं आएगा, शाइनिंग नहीं मारेगी टुकड़ी, ठीक है। टुकड़ी का नाम तीन ही भाषा में लिया जाता है, क्रिस्टल, स्टोन, टुकड़ी, और भी भाषा में लिया जाता है नाम, मगर तीन नाम को मैं जनरल तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। यही तरीके से नरमा कर धार मारनी है। अब धार के बाद क्या है, पीछे की लग रही है, पहले आगे की लगी तब पीछे की लग रही है, ठीक है दोस्तों। धार देखो, अभी धार भी तैयार है, पॉलिश भी तैयार है, अब ये रेडी हो गई। अब इसमें लास्ट काम जो बचता है बफिंग का, पॉलिश खोलना टुकड़ी की, जो जो बेवलिंग कहता है उसको भर कर पाउडर डालकर पॉलिश खोलना है, ठीक है, चार साइड। पॉलिश खोलने के बाद कोई काम नहीं बचेगा, पीस रेडी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देखो कैसा पीस लग रहा है, तो ये चार साइड पॉलिश अपनी खुल रही है, पानी डाल मशीन पर पॉलिश खोलनी है चारों साइड अच्छे से, ताकि उसमें जो चमक आ जाए, शाइनिंग आ जाए, ठीक है। ये इस तरीके से पॉलिश हो गई है अपनी, अब ये बनकर तैयार हो गई है टुकड़ी। ये रेडीमेड भी आती है और हाथ से भी बनाई है, देखिए कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कैसी लग रही है, सामने से और अच्छी है, इतना कैमरे में क्लियर नहीं दिखता है। ये देखें हीरे जैसी चमक रही है ना टुकड़ी है,
देखो कितना वीआईपी लग रही, रेडीमेड ही मालूम पड़ रही है, बनाई हाथ से है। ठीक है, इस तरीके से टुकड़ी बनती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें कि मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को लगी, और दोस्तों में शेयर करें।